है फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिंकिंग को कैसे 90 मारा जाता है एंड बहुत ही अच्छा ट्रिक से हम लोग बताने वाले हैं। जैसे कि दूसरे भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी दूसरे से सीखे होंगे, उससे कम समय में आप इजी में मार सकते हैं एंड मेजरमेंट भी परफेक्ट आएगा, जैसे कि एज से लेते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग ट्रिंकिंग में मार्किंग ऑलरेडी करके रखे हुए हैं ताकि टाइम का ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो इसमें हम आपको क्लियर करने वाले हैं कितने कितने मार्किंग है। जैसे 51 लिया था एंड ये 40 सेंटी एंड ये 40 लिया, ये सॉरी 40 mm एंड जो सेंटर का है वो 50 mm लिया था, फिर इधर में भी 40 mm यानी 80 इधर 80 इधर एंड इसमें हम लोग मार्किंग करके रखे हुए हैं। जैसे ये भी 40 mm है एंड अभी हम लोग इसको साइड से भी यानी अराउंड में हम लोग मार्किंग करके रखे हुए हैं 40 40 50 50 ऐसा करके, जो सेंटर का है जो हम ये दो कट में 90 इसको मारने वाले हैं। सो इसमें हम लोग ऐसा साइड लिया है, जैसे 40 40 किया हूँ ना, और 40 40 का एक 40 से ये 50 वाला जो ये मार्किंग है उसमें हम लोग लेके इसको ऐसा तिरछा मार्किंग करके रखे हुए हैं। ओके, हम लोग इसमें ये भी बताने वाला हूँ कितने कितने एमएम है, वो हम जिसकी हमको राइटिंग कर देना चाहिए। सो ये जो हम ये जो मार्किंग करके रखा हूँ ना, उसको कटिंग करने के लिए उसको भी हाईलाइट करेगा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बता दूँ, और ये जो 80 80 है ना, उसको हम इसलिए कलर कटिंग कर दिया ताकि आपको बताने में इजी रहेगा। ऐसे हम साइड में मोड़ेंगे तो उसको कटिंग करके रखा हूँ एज को। अभी हम लोग हाईलाइट करेंगे इसको, जो हम जितना कटिंग करने वाले हैं ना उसको हाईलाइट कर देंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में बेटर होगा। एंड वीडियो को लास्ट तक बने रहे, इसका हर एक यानी साइज़ का हम लोग ये बताने वाला हूँ कैसे कैलकुलेट करें, कैसे क्या करें, तो ये कितना जो टैंकिंग का जो साइज़ है उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट करना शुरू करते हैं, जो पार्ट को हम कटिंग करके निकालने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लास्ट तक बने रहे। सो फ्रेंड्स, अगर ये जैसे कि देख सकते हैं, ये जो हम हाईलाइट कर रहा हूँ उसको हम लोग कटिंग करने वाले हैं। अगर आपको 50 mm 50x50 50x75 50x100 100x100 जो भी ये ट्रिंकिंग है उसको आप लोग 90 बनाने वाले हैं, ऑफसेट बनाने वाले हैं, उसके लिए अगर आपको ये कुछ ट्रिक चाहिए, कुछ फार्मूला चाहिए, तो हम इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इस वीडियो में आप वो भी लर्न कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं हम जितना कटिंग करने वाले उसको हम हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा यानी समझने में आसान होगा। एंड ये दो हॉल करके भी रखे हुए हैं ताकि वो साइड में जब एज करेंगे ना, ये जो मार्किंग कर रहा हूँ ये कटिंग के लिए है, वो हम कटिंग करने वाले हैं इसलिए वो बता दे रहा हूँ। और ये हॉल जो है दोनों तरफ, वो दोनों तरफ हम लोग ऐसे साइड मोड़ेंगे ना उसमें आएगा, तो इसलिए मार दे ताकि कटिंग कर देंगे तो वो फ्री हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा मारने में डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हम लोग वो मार दिया हूँ। ये सेंटर का 50 mm लिया हूँ, फिर 40 40 mm का ऐसा किया हुआ है। ये ट्रिंकिंग जो है 100x100 का है। ओके, सो ये 50 50 है, देन ये 40 40 यानी 80 इधर 80 इधर है। ओके, 80 एंड इधर भी 80 का है, 80 का दो डिवाइड किया हुआ है अराउंड में, यानी तीनों तरफ में सेम मार्किंग है, तीनों तरफ मार्किंग चेंजेस नहीं करना है। ओके, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। सो दे अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि जो मार्किंग मेजरमेंट से बता दूं ये कितना कितना करके है। सो अगेन हम लोग मेजरमेंट से फिर से देखेंगे, वो हमको 100 पे इसको 1 मीटर पर उधर से मोड़ना है। अभी कितना है, 97 हमको ये भी मेजरमेंट, जैसे कि हमको फर्स्ट फॉल बताया था आपको वीडियो में मोड़ना है, तो ये 97 पे हम लोग स्टार्ट किया है ये मार्किंग करने के, मतलब मार्किंग करने के लिए। और ये 50 का ये गैप दिया हुआ है सेंटर का, ये 50 का गैप है, 50 का आधा कितना होगा, 25। ओके, 25 है, 50 का था 25 है, ऑलरेडी कितना है ये 75, यानी 75 प्लस 25 75 प्लस 25 लाइक ये कितना हो जाएगा 99.5। ओके, तो ये 1 मीटर का समथिंग हो गया, ये 1 मीटर पर ये उधर से 90 परफेक्ट ये मुड़ेगा। ओके, ये जैसे देख सकते हैं इधर से इधर जो हम लोग लिया है और दो कट में 90 मारा हूँ, दो कट में 90 मारने के बावजूद भी अगर 100 पर मोड़ना है, 1 मीटर पर मोड़ना है, तो 97 से फर्स्ट मार्किंग करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको 97 फर्स्ट ऑफ ऑल लेता हूँ। उसके बाद हम लोग 2.5 यानी जो 50 का जो बीच में गैप लिया हूँ कट के लिए, उसका आधा हो जाएगा 25, वो 25 बीच में प्लस करेगा
जैसे 1 मीटर में मोड़ना है, 2 कट में मोड़ा, 97 + 2.5 यानी हो गया 95, तो 95 हो गया यानी 100 हमको ऑलमोस्ट पूर गया यानी एक मीटर। सो ये जो 90 की जो हम लोग कटिंग करेंगे तो 1 मीटर पर ये आएगा। सो अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे। सो कटिंग करने के दरमियान अपना सेफ्टी जो है वो मोस्टली रखे, जो आपका सेफ्टी हो, सेफ्टी आपको खुद के लिए बेटर है। तो कटिंग बहुत ही केयरफुली करें एंड सेफ्टी से करें। तो जैसे कि हम लोग ये साइड कटिंग कर दिया था, और जैसे कि मैं बताया था उसमें वही साइड कटिंग करना था, वही साइड कटिंग कर दिया एज ऑलरेडी कटिंग करके रखा हुआ था। एंड इसके बाद मैं बताने वाला हूँ वो जो हाईलाइट किया था ना उसको भी कटिंग करना है। तो हाईलाइट वाला को पहले ये पहले तिरछा कटिंग करता हूँ ताकि हाईलाइट कटिंग करने में ईजी रहेगा। ओके, तो ये जैसे देख सकते हैं ये तिरछा जो हम लोग मार्किंग किए हुए हैं 40 से 40 जो क्रॉस किया हुआ है, तो क्रॉस को हम लोग कटिंग करते रहा हूँ। वो पूरा पार्ट निकालना नहीं है, ओनली वो मार्किंग जितना है उसमें हमको कटिंग करना है, तो पूरा आर पार ऐसा कटिंग नहीं करना है। ओके, ताकि कन्फ्यूज़ नहीं हो इसलिए हम लोग इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे हम लोग हाईलाइट किए थे वो हाईलाइट को हम लोग निकाल दे रहा हूँ ताकि ये क्या होगा कि जो मिरर है वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड एक दूसरे में वो टच नहीं करेगा एंड परफेक्ट आएगा। इसमें कुछ भी दूसरा घसने फूसने का कोई ज़रूरी नहीं है एंड परफेक्ट आएगा। ये जैसे हम पर हाईलाइट किया हुआ है उसमें वो डाल के थोड़ा सा पार्ट और फ्रेंड्स, जैसे हम लोग कटिंग कर चुके हैं हम लोग। ओके, एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो छोटा सा पार्ट है उसको भी कटिंग हो ही गया है। अभी इसमें हम लोग फाइनिंग करना चाहिए, जो इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, जो शार्क लगा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ये एज काट देते हैं थोड़ा सा ताकि जहाँ से मुड़ने वाला है ये देख सकते हैं ये 100 है, 100 के दोनों तरफ भी ये आता है। तो ये कितना पर कटिंग होगा, 100 100 यानी इधर में कितना गया है, ये 50 एंड ये 40, ये 40, तो ये 40 और ये 40 यानी 50 एंड 40 40 कितना हो जाएगा, एंड यानी 130 का जो बीच में आएगा गैप ना उसको हम लोग कटिंग कर देगा। इधर भी 40 के जाकर के ये थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि वो कलर है वो कलर नहीं ख़राब होगा और वहाँ से बहुत शेप में मुड़ेगा। तो दो हम ये थोड़ा सा मार्किंग किया हूँ यानी वो खाली जो ऐसा बैंड बुरा हुआ रहता है ना कलर, जो टैंकी का कलर है उसको हम लोग कटिंग किया है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसमें फाइलिंग करेंगे। सो फाइलिंग जितना अच्छा से कीजिएगा उतना क्या होगा कि जो हाथ वगैरह में नहीं आएगा एंड वायर वगैरह भी हम लोग पुल करेंगे तो वायर वगैरह भी नहीं आएगा। तो फाइलिंग बहुत ही अच्छा से करना चाहिए एंड हाथ को केयर करके, ऐसा नहीं मतलब सेफ्टी जो भी है सेफ्टी अपना फ्लो करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम लोग इसका फाइलिंग कर रहे हैं, फाइलिंग करके उसके बाद हम लोग इसको 90 करने का वो कर रहा हूँ। अभी हम इसको मोड़ेंगे, अभी इसमें कुछ भी दूसरा घिसे फिसेंगे नहीं, 90 परफेक्ट आएगा। जैसे कि आपको हम लोग ये बता रहा हूँ 1 मीटर हम बोला था ना, ये 97 पर कटिंग करना स्टार्ट किया हूँ लेकिन ये 1 मीटर होना चाहिए। तो ये अभी ये देख सकते हैं ये 90 रेडी हो गए। हम लोग इसको मेजरमेंट में 1 मीटर होना चाहिए, ये हम आप लोगों को वो भी दिखाने वाला हूँ। इसमें कुछ भी ये नहीं हो रहा होगा एंड 100 यानी 1 मीटर पर यही ये 90 मुड़ेगा। एक कई आदमी को होता है कि जो ये 90 बना लेते हैं बाद में वो मेजरमेंट करके उसको कटिंग फटिंग करते हैं, इसमें क्या मटेरियल भी वेस्ट होता है एंड टाइम भी वेस्ट होता है एंड कोई जो दूसरा देखता है तो वो भी बोलता है कि इसको ये काम के बारे में उतना ये नहीं है। सो कई आदमी को मैं ऐसा देखा हूँ इसलिए मैं सोचा कि जो इसके ऊपर कुछ वीडियो ही शूट किया जाए एंड ताकि सभी को मालूम चल जाए क्या कितना से कितना पे कटिंग करने के लिए क्या किया जाता है। सो फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं 90 रेडी हो गया, 2 कट में 90 मरा हुआ है एंड देखने में भी कितना एकदम लाजवाब यानी अच्छा लग रहा है दिखने में। ये 50 का है, वो 50 का इधर से फ्रंट आ गया था एंड 100 नहीं 130 पीछे हो गया और दिखने में बहुत ही कूल लग रहा है। सो अभी मेजरमेंट करेंगे 1 मीटर पूर रहा है कि नहीं। सो जैसे देख सकते हैं
ये 1 मीटर, फॉर फैक्ट 1 मीटर आया यार। जैसे ये 97 से मार्किंग किया था, वो उधर कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। 1 मीटर इसलिए आया ताकि ये 100 पर तो इधर से मार्किंग मारा था ना, और जो 50 लेते हैं वो 50 ऐसा क्रॉस रहता है, 90 जब 90 में मुड़ता है तो ये 50 जो है ये सेंटर का वो क्रॉस हो जाता है। तो अगर कुछ भी चीज़ को अगर हम 50 अगर 90 डिग्री में मोड़ेंगे तो उसका डिस्टेंस वो 50 हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको 25 उसको हम लोग जोड़ते हैं। ओके, एंड इसमें हम लोग हॉल के जो अंदर में जो ये इसका पट्टी है उसमें ऑलरेडी हॉल मारे हुए थे, तो उसके हिसाब से ना वो मार्किंग कीजिए। अब मार्किंग के हिसाब से हॉल मार के उसको 2 नट लगा दिए ताकि वो फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।